शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान अध्ययन तुम्हारा है, संसार के विषयों से उन्म सम्मुख उद्देश्य संवारा है। धन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार घरो, आचार समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। श्री समय सागर महामन इंद्र विनमा संसार ताप नाशन चंदन अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा, चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। क्षत विक्षत विप्तास्तद जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार समय सागर गुरुवर उज्जल अक्षत स्वीकार करो। सदाचार्य श्री समय सागर महामुनि अक्षय पद प्राप्ति अक्षता निर्वपामी। परमोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी, पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषम विषयासा है उस आशा का परिहार करो, आचार समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। सदाचार्य श्री समय सागर महामहेंद्र नमः कामार विध्वंसन पुष्पम निर्वपामेति स्वाहा। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में बाह्याभ्यंतर तप तपते हैं, जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो छेदात सागी तृष्णा घे इस तृष्णा से उस पार करो, आचार समय सागर गुरुवर ने वीत सरस स्वीकार करो। चार्य परमेश गुरुवर श्री विद्या समय सागर महामनिंद्र नमः चुदार विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। जीवन में अंतर ज्योति जगे रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगम शशि क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकट इस बार करो, आचार समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। सदाचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बना मोहन कारुण दीपम निर्वपामे ते। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाले, बलवान नृपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले। ज्ञान वर्णादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो, आचार समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। मास्टर सदाचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बिनवाष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिषय सहते हो, भव संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो, भव संतति का यह भार घरो, आचार समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ब्रह्मचतुर सदाचार्य परमेश्वरी समय सागर महामनिंद्र बिना मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जय बंद रखो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। अष्टोत्तर सदाचार्य श्री समय सागर महानिंद्र ब्रह्मा अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामि स्वाहा। सूर्य समय सागर बने गुरुपद जिनके नाम,
आज उनकी वंदना बारंबार प्रणाम। गुरुवर की पुण्य कथा गाने जन जन के तन मन हर्षित हैं। गुरु गुण गाने की शक्ति नहीं श्रद्धा के सुमन समर्पित हैं। श्रीमंती माँ का नाम तथा मल्लप्पा नाम पिता का था, वह जन्म भूमि विख्यात हुई जग पूजित ग्राम सद लगा था। भारत की भाषा शिक्षा से संस्कारों में संयम आया, श्री गुरुवर का आशीष मिला तब प्रगतिशील पथ अपनाया। गृह त्याग दिया अब आजीवन गुरुवर की शरण ग्रहण करने, क्रम सा छुल्लक एलक पद से मुनि पद का मार्ग वरण करने। श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में गुरु से मुनि दीक्षा स्वीकारी, बेपूज समय सागर मुनिवर प्रिय प्रथम शिष्य मुनि व्रतधारी। परिवार तुम्हारा जिन पद पर संयम से योक्त पिता माता अनुव्रतधारी, दोनों बहने मुनि व्रतधारी चारों भ्राता। विद्या सागर में मग्न हुए जब समय योग उत्कृष्ट मिला, पंचम युग में गुरु को पाकर आगामी सर्व अनिष्ट टला। प्रिय शेष समय सागर मुनि के आचार सुगुरु विद्या सागर, सदर धन ज्ञाना चरण प्रकट वीरतनात्रय के रत्नाकर। निर्यापक श्रमण समय सागर गुरु ने जब ऐसा उच्चारा, तब धर्म सभा में गूंज उठी जय जय की ध्वनि जन जन द्वारा। गुरु आज्ञा से उपसंग बना आज्ञा से पृथक विहार किया, जो परहित में उपदेश दिया वो निज हित में साकार किया। बुंदेलखंड का तीर्थ राज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संग चतुर्विध ने आह्वान किया गुरु कोर में। उत्सव जो आज यहाँ देगा ऐसा ना कहीं उत्सव देखा, संतों की सन्नति से समली हमें भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्या सागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सब को आशीष प्रदान किया, सबने और के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ब्रह्मस्तुतिः सत आचार्य परमेश जी भगवंत गुरुवर श्री समय सागर महामुनिन्द्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति जय माला पूर्ण अर्घ निरूपमिति स्वाहासीन जो गुरु आज्ञानुसार। सूर्य समय सागर तुम्हें बंदन वारंबाति। पुष्पांजलि छिपाम। आप सभी से निवेदन है सभी शांतिपूर्वक स्थान ग्रहण कर लें। आज शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य हमारे बीच में सम्मान्य विमल जी, वीणा जी, अनुज, अनुराग, अनुमेय परिवार ने प्राप्त किया। पूरे सम्मान के साथ साथ परिवार आमंत्रित करेंगे, कृपया आए और शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ अर्जित करें। सम्मान्य विमल जी, वीणा जी और सपरिवार हमारे बीच पधार रहे हैं और शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ अर्जित कर रहे हैं। हाँ चल। जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन है, ऐसे महा मुनिराज को सत सत नमन सत सत नमन। यह अर्घ अर्पित कर रहा वसुद्रव्य का जिसमें चयन। ओम भ्रह सर्व साधु परमेष्टुभ्यो अनर्पक प्राप्त है महार्घम निर्वपामिति स्वाहा।
और इस मंगलमय अवसर पर सास समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित बिमल जी के द्वारा। आज ऊपर शांति धारा का सौभाग्य अर्जित किया, चालू हो गया। 551 का भाव प्रेषित किया था, अभी 51,000 रुपए की दान राशि यहाँ समर्पित करने का भाव बनाया है। जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत अभिवादन करते हैं। कल रात्रि में आरती में 1 किलो 300 ग्राम चांदी, 1 किलो चांदी समर्पित करने का भाव उन्होंने बनाया था। उनके ऐसे भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। सास समर्पण कर रहे हैं सपरिवार विमल जी, वीणा जी और उनके परिवार के द्वारा। समर्पित परिवार है, बड़े बाबा के चरणों में समर्पित है, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं। निरंतर अपनी राशि का सदुपयोग बड़े बाबा जी के मंदिर के निर्माण में करते रहते हैं। कमेटी उनका स्वागत अभिवादन अभिनंदन करती है। और अब हम सब अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, सभी अपने कर कमलों को जोड़ लेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से। हाँ, परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। निर्लोक सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विडमो अरिहंतालम, विडमो सिद्धालम, विडमो आयरियाणम, विडमो वज्जायाणम, विडमो लोये सविसाहुडम। एसो पंच नमो यारो शब्य पाप पणासिनो मंगलाणं च सव्येषिं परमं हवै मंगलम। बलि इतर कालवर्ती नव देवताओं की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निरापक महाराजों की, समस्त मुनिराजों की, पूज्य निर्लोक सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, आर्यिका संघ की जय। बंधुओं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो ज्ञानी होते हैं, एक वो जो अज्ञानी होते हैं। अब आपको प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी कौन होते हैं। तो आचार्य कुंकुन भगवान ने समयसार में दो गाथाएं दी हैं, बहुत प्यारी हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। ज्ञानी के ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जस विषम भजन तो वैज्यो पुरुषो न मरण मुव्यादि, दब्बुक भोगे अर्दो डाणी बिना भजदी तहे वो। जैसे विष का उपभोग करते हुए भी वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता है। विष को कैसे खा लेता है? उस वैद्य के पास में ज्ञान की सामर्थ्य होती है, कुचला इत्यादि जहर होते हैं, उन्हें वो शुद्ध करके और दवा के रूप में प्रयोग कर लेता है, उसका लाभ उठा लेता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव होता है, संसार में रहता है, उसके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार में रहता है का मतलब 343 घनराजु प्रमाण लोक में रहता है, लेकिन उसके अंदर राग द्वेष रूपी संसार नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे नहीं होता है, संसारी है तो राग द्वेष तो होते ही हैं, होंगे ही। लेकिन जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी ग्राहक के रुपये हैं बैंक में जमा है, बोलो बैंक के हैं क्या? बैंक में होते हुए भी बैंक के नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी के पास राग द्वेष होते हुए भी ज्ञानी के राग द्वेष नहीं होते हैं। ज्ञान की सामर्थ होती है। शुभ चंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानाणा में लिखा है, अहो राणिस
अहो ज्ञानी जन की सामर्थ्य देखो। राणस महात्म्यम ज्ञानी ना केन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञान की सामर्थ्य देखो जहां पर जिस द्रव्य क्षेत्र काल को निमित्त बनाकर के ज्ञानी कर्मों की निजरा कर लेता है, अज्ञानी उसी द्रव्य क्षेत्र काल को निमित्त बना करके अशुभ कर्मों का बंद कर लेता है। कैसे? उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे शमशान में एक वेश्या पड़ी है मरी हुई, उस मरी हुई वेश्या को चार प्राणी देख रहे हैं, एक चोर देख रहा है, एक बैरा साधु देख रहे हैं, एक व्यभिचारी देख रहा है और एक स्यार देख रहा है। उसी वेश्या को देख करके वो स्यार विचार कर रहा है कि ये लोग भाग जाए तो मेरा भोजन बन जाए, भोजन मुझे मिल जाए। चोर सोच रहा है कि ये लोग भाग जाए तो मैं इसके आभूषण उतार लूं, और व्यभिचारी सोच रहा है कि अरे ये तो मरी गई, हम तो भोग ही नहीं कर पाए। और वहीं पर साधु महाराज ध्यान कर रहे थे, वो विचार करते हैं देखो इसे मनुष्य पर्याय मिली, कितनी दुर्लभतम पर्याय है नरकाया को सुरपति तरस, जिससे इंद्र भी तरसता है ऐसी पर्याय मिली, और इसने कितना बुरी तरह से इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग किया। बंधु जैसे वेश्या तो एक ही है लेकिन देखने वाले प्राणी अलग अलग भाव करते हैं, चोर चोरी का भाव करता है, स्यार भोजन का भाव करता है, व्यभिचारी भोग का भाव करता है और साधु बैराग का भाव करता है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है संसार के पदार्थों को देख करके विचार करता है कि ये सारी पर्याय नश्वर हैं, जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है, ये अंतिम सत्य कहलाता है। और निश्चित के लिए कभी भी रोता नहीं है, निश्चित तो भवितव्यता कहलाती है जो होकर के ही रहती है। और वैराग्य की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं जय मज्जम प्रमाणो अरिद जय मज्जम प्रमाणो पुरुषो अरदि भावेण न मज्जदि अरदि भावेण न मज्जदि पुरुषो दब भोगे अर्दो डाणे भी न मज्जदि तहेवो। जैसे विरक्त पुरुष को यदि कोई जबरदस्ती मदिरा पिला दे तो भी इसको जहर नहीं छिड़ता है, ऐसे ही वैरागी जीव है उसको कोई जबरदस्ती भोग भोगने के लिए प्रेरित करे या चरित्र मोहिनी कर्म रूपी पहलवान या किसी पुलिस के द्वारा उसे भोग भोगने के लिए मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है, तो वह कर्मों से बंधता नहीं है। वैराग्य की सामर्थ्य बहुत बड़ी होती है बंधुओं। वैराग्य एक ऐसी चीज है कि हर चीज का प्रतिद्वंदी है, हर चीज में खतरा है, धन में चोरों का खतरा है, भोगों में रोगों का खड्डर है, हर चीज में यश में अपयश का डर है, लेकिन वैराग्य में किसी भी चीज का डर नहीं है। कुंदकुन स्वामी कहते हैं दो ही शब्द यदि आपने अपने जीवन में समझ लिए और उतार दिए तो आपका कल्याण होना निश्चित है। रत्तो वंदिकम्मा मुंचद जीवम मुंचद जीवो विराग संपन्नो एसो जिड़ो विदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज। रागी जीव कर्मों से बंधता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है, इसलिए कर्मोदय जन्य किसी भी अवस्था में राग और द्वेष मत करो। अज्ञानी जीव कैसा होता है, वो राग भी करता है तो ऐसा करता है जिससे अपना संसार बढ़ा लेता है, और द्वेष भी करता है तो ऐसा जिससे अपना संसार बढ़ा लेता है। दो दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। पद्म पुराण आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें दृष्टांत दिया है कि सुकौशल स्वामी उनके पिता दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा लेकर के वन में चले जाते हैं, वहां तपस्या करने लग जाते हैं। सुकौशल स्वामी की मां को अत्यंत खेद होता है कि पति चलेगा, मेरा जीवन का क्या होगा। सोचती है चलो आप पुत्र है इससे ही मेरी नैया पार होगी, मेरा सार सिद्ध होगा, मेरी सेवा होगी, इसलिए उसने ऐसा प्रतिबंध करके रखा, ऐसी व्यवस्था बना के रखी कि राज की सीमाओं के बाहर पुत्र जा ही ना पाए।
और दूसरा मेरी राज की सीमाओं के अंदर कोई दिगंबर साधु ना आ पाए, क्योंकि ये मेरा जो पति है, घर का खौ है, ये राज को छोड़ करके चला गया है। इसलिए उसको इतना द्वेष हो गया कि उसने ऐसी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी दिगंबर साधु मेरे राज की सीमा में ना आए। एक दिन उनके जो सुकौशल के पिता जो मणि बन चुके थे, आहारचर्या के लिए अपने ही राज्य की सीमा के अंदर आते हैं। जैसे ही राजमाता को, सुकौशल की माता को पता चलता है तो वो कहती है इनको मेरी सीमा के बाहर निकाल दो। जैसे ही द्वारपालों ने मुनिराज को अनादर पूर्वक बाहर निकाला तो जो धाय थी सुकौशल का लालन पालन करती थी वह रोने लगी। जब सुकौशल को पता चला कि जो माँ मेरा लालन पालन करती है, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है, वो रो रही है। पूछते हैं माता किसकी मौत आ गई है, किसने आपको कष्ट दिया है? वो कहती है कि बेटा आपके रहते मुझे कौन कष्ट दे सकता है, लेकिन आपकी जो जन्मदात्री माँ है उसने आज ऐसा व्यवहार किया कि जो तुम्हारे पिता थे, जो इतने बड़े राज को छोड़कर के मुनि बने हैं, तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, व्याज आहारचर्या के लिए आए थे, तुम्हारी माता ने उन्हें भूखा निकलवा दिया, ये देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ, देखा नहीं गया, इसलिए रो रही हूं। सुकौशल के कान में जैसे ही ये शब्द पड़ते हैं तो निकल पड़ते हैं अपने पिता को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो पिता का पता लगा ही लेते हैं। जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, मुनिराज के चरणों में क्षमा मांगते हैं कि आपको आपके ही राज की सीमा में आज आहार नहीं मिल सका, और बाद में निवेदन करते हैं कि मुझे भी ये रत्नात्रय प्रदान करके, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके कृतकृत कीजिए भगवान, मेरा उद्धार भी कीजिए। उन्हें भी दीक्षा दे देते हैं। दोनों पिता पुत्र मुनि बनकर के जंगल में तपस्या करने लग जाते हैं। चातुर्मास आता है, चार महीने के लिए आहार का त्याग करके और ध्यान में बैठ जाते हैं। जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होता है, आहारचर्या के लिए दोनों आ रहे थे नगर की ओर। उधर उस सुकौशल की माता, जैसे अपने पति और पुत्र पर बहुत ज्यादा राग था, देखिए अज्ञानी की दशा, अभी तो इतना राग था कि पिता पुत्र के और पति की दीक्षा लेने पर इतना आर्त ध्यान हुआ कि मर करके वो व्याघ्री बन गई। और जिस जंगल में वो चतुर्मास करके जहां से निकल रहे थे आहारचर्या के लिए नगर की ओर आ रहे थे, वहीं पर वो घूम रही थी, और घूमते घूमते उसकी दृष्टि किसकी? व्याघ्री की। उन्हीं पिछले पर्याय के जो पति और पुत्र थे दोनों मुनियों के ऊपर पड़ी, उसे जाति स्मरण हो गया। तुरंत अपने जाति स्मरण के माध्यम से पता लगाती कि अरे वही मेरे पति और पुत्र हैं जो मुझे छोड़ करके दीक्षित हो गए थे। अब उसे जो राग था उसके स्थान पर द्वेष हो जाता है, बहुत जोरों से गुस्सा आती है, और पति से भी ज्यादा प्रेम उसे अपने पुत्र पर हो गया था, तो वो छलांग लगाती है और पुत्र के लिए आक्रमण कर देती है, उपसर कर देती है, खा डालती है। बंधु ये अज्ञानी की दशा होती है, राग करता है तो ऐसा करता है कि वियोग होने पर उसे इतना अर्थ ध्यान हो जाता है कि मरकर की व्याघ्री की अवस्था को प्राप्त हो जाती है, और द्वेष करता है तो ऐसा करता है कि अब वो मुनि भी बन चुके हैं तब भी बदला लेने से नहीं चूकता है, ऐसा द्वेष उसने किया। इसी तरह से बंधु आप लोगों ने वर्तमान युग में पढ़ा होगा, सुकमाल स्वामी जो कि पूर्व अवस्था में उनकी जो भाभी थी, किसी प्रसंग को लेकर के हंसी मजाक में या बात मात में थोड़ा लात मार दी, तो इतना उसने द्वेष कर लिया, बैर बांध लिया, निदान कर लिया कि आज तो मैं महिला हूं, अगले जन्म में इसी पैर को मैं भक्षण करूंगी, और इस निदान की वजह से वो स्यालिनी बने। और जब सुकमाल स्वामी मुनि बन गए, ध्यान में लीन थे, वही स्यालिनी आती है दो बच्चों के साथ, और उन्हें देख करके उसे भी जाति स्मरण हो जाता है, और जाति स्मरण से जान करके कि ये मेरे देवर हैं, इन्होंने मुझे लात से अपमानित किया था,
और दोनों बच्चों के साथ क्रोध में से आवेश में भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो बंधुओं, अज्ञानी ऐसे ही होता है कि वो राग करता है तो भी संसार बढ़ाता है, और द्वेष करता है तो भी संसार बढ़ाता है, और ज्ञानी यदि राग भी करता है तो पंच परमेष्टि से करता है, उसका रिजर्वेशन हो जाता है मोक्ष का, क्योंकि ये पहचान है जिसकी पंच परमेष्टि के प्रति रुचि और विषय कषाय के प्रति अरुचि हो जाती है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। तो बंधुओं, ज्ञानी पाप से डरता है, जिसके जीवन में पाप का पार नहीं है और पुण्य से प्यार नहीं, उसका भावी भयंकर होता है, भविष्य अंधकारमय होता है। बंधुओं, पाप वह अग्नि कुंड है जिसमें क्षण भर में आदर सम्मान यश पुण्य नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी हमेशा किसी से डरे या न डरे, पर पाप से अवश्य डरता है, क्योंकि वो जानता है कि पाप पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता। पाप पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता है। वो जानता है कि ये पाप हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानी को बाह में जो अशुभ निमित्त बनते हैं वे शत्रु दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी ये समझता है कि अशुभ निमित्त मेरे कर्म की निर्जरा के लिए साधन है, और जो शुभ निमित्त है मेरे धर्म ध्यान के लिए साधन है। ना तो वो शुभ निमित्तों से अपना कार्य सिद्ध करने से चूकता है, और ना ही अशुभ निमित्तों से वो अपना कार्य करने से चूकता है। अशुभ निमित्तों को निमित्त अशुभ निमित्तों से अपने पाप कर्म की निर्जरा कर लेता है, और शुभ निमित्तों से धर्म ध्यान कर लेता है। तो बंधुओं, हमारा आपसे कहना है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पाप से भयभीत हो जाए। षोडश कर्ण भावना में एक बहुत सरल भावना है, जिसे आप अज्ञानी हो, बीमार हो, व्यस्त हो, वृद्ध हो, कोई भी भा सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। अवेक्षण ज्ञानोपयोग के साथ साथ एक शब्द अवेक्षण संवेग भी दिया है। अवेक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब होता है अपने मन में निरंतर कभी वाचना तो कभी प्रचना तो कभी अनुप्रेक्षा तो कभी आमनाय तो कभी धर्मोपदेश करता रहता है, और सबसे सरल अनुप्रेक्षा होती है, चाहे पढ़े हुए का अनुप्रेक्षण करें और चाहे ये खुली किताब जो संसार है इसको देख करके चिंतन करें। ज्ञानी तो किसी भी चीज को निमित्त बना करके, ध्यान का आलंबन बना करके कर्मों की निजरा कर लेता। द्रव्य संग्रह में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है, जमकिन छवि चिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहू लद्दुड़े यत्तम तदाहु तम तस् निश्चयम झाड़म। जिस किसी का भी चिंतन करे, जब वो निष्प्रय होकर के चिंतन करता है तो वो सारी की सारी चीजें उसके लिए निर्जरा का साधन हो जाते हैं। और ज्ञानी हमेशा उसकी दृष्टि जैसे जमीन पर भी रहने के बावजूद भी जो चकोर पक्षी होता है वो आसमान में चंद्रमा को ही देखता है, और अज्ञानी की दृष्टि होती है कि वो चंद्रमा के पास भी उड़े लेकिन गिद्ध की तरह उसकी दृष्टि नीचे पड़े मांस के टुकड़ों पर ही होती है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कुंदकुन स्वामी कहते हैं कि अज्ञानी तो लोहे की तरह होता है कि जैसे लोहे को कीचड़ में डालो तो थोड़ी देर के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, और ज्ञानी सोने की तरह होता है कि वर्षों वर्षों भी कीचड़ में पड़ा रहे तब भी उसमें जंग नहीं लगती है। ये उसकी दृष्टि का फेर होता है। दृष्टि ही बदल करके वो अपने सृष्टि के को समाप्त कर देता है, वस्तु को सृष्टि को समाप्त कोई नहीं करता है, करना नहीं होता है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। तो बंधु, हमारा आपसे कहना है कि यदि आपको पाप से प्यार है और पुण्य से अपुण्य आपके जीवन में प्यार नहीं है और पाप से प्यार है तो आपका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि देखिए आप, जब ज्ञानी जन आत्मीयता से किसी को देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं,
और जब बोलते हैं आत्मीयता से तो सब सुख प्रदान कर देते हैं, वाह वैभव की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी नेत्र में, उनकी वाणी में ही अमृत होता है। आप समझ सकते हैं इससे, जब वो लिख रहे हैं कि ज्ञानी जन जब आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। मतलब दृष्टि में ऐसा अद्भुत रहस्य है, चमत्कार है, औषधि है, जिसे आमर्ष औषधि कह सकते हैं कि वो देखते हैं तो देखने से ही निरोग हो जाए सामने वाला। देखने मात्र से ही उसको स्वस्थता मिल जाए, देखने मात्र से ही उसे ऐसा लगे कि सब कुछ मिल गया। तो ज्ञानी जन जन आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। क्या ऐसा आप नहीं कर सकते कि देखो मगर प्यार से, आत्मीयता से? आपको दो तीन सूत्र इतने संक्षेप में दे रहा हूं। कौन सी चीजें याद रखनी है आपको अपने जीवन में? तीन चार सूत्र हैं। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे किसी का दिल दुख जाए, क्योंकि आपकी वाणी में वो सामर्थ है कि वो वीणा भी बन सकती है और बाण भी बन सकती है। वाणी अमृत का काम भी करती है और वाणी जहर का काम भी करती है। एक वाणी से व्यक्ति को हाथी के ऊपर बिठा करके सम्मानित किया जाता है, उसे शहर में घुमाया जाता है, उसकी प्रभावना की जाती है। एक वाणी से व्यक्ति को गधे के ऊपर बिठाया जाता है, काला मुंह करके, सिर मुड़ा करके, और देश निकाला दिया जाता है। ये वाणी का चमत्कार है। वाणी से व्यक्ति सामने वाला स्वस्थ भी हो जाता है और अच्छा स्वस्थ हट्टा कट्टा व्यक्ति अस्वस्थ बीमार भी हो जाता है। वाणी के माध्यम से भूख खुल भी जाती है तो वाणी के माध्यम से भूख समाप्ति भी हो जाती है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपने मित्र भी बना सकता है और वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अनेक शत्रु भी बना सकता है। वाणी अकेली है यदि आपके पास, जिसके जेब में पैसा ना हो पर जिह्वा में मिठास हो, तो उसे जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। वो जहां पर भी जाता है उसकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, उसे आत्मीयजन मिल जाते हैं। पर यदि जिह्वा में मिठास नहीं होती है तो जेब में पैसे होने के बाद भी उसको जेल जाना पड़ता है, उसे पिटाई खानी पड़ती है, उसे दुविधा झेलनी पड़ती है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहना। ये वाणी को आप वरदान बनाइए, अभिशाप नहीं। दूसरा सूत्र है, जो भी तुम्हारा आत्महित का करता है, भला करता है, उसकी बात मानो, उसकी उपेक्षा कभी मत करो। होता ये है, जो हित करने वाले हैं उनसे हम दूर रहते हैं, जिनसे अहित होता है उनके हम पास पहुंच जाते हैं। तो तीसरा दूसरा सूत्र याद क्या रखना है, जो आत्महित करने वाले हैं उनकी बात मानो, भला करने वाले हैं उनकी बात मानो। तीसरा सूत्र है, अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। मतलब यह है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, किसी भी क्षेत्र में हो। ये सूत्र सर्वत्र लागू करना है कि आपको यदि वृंदावन बनाना है तो सुदर्शन चक्र की आवश्यकता नहीं है, उसको तो बांसुरी की आवश्यकता है, मुरली की आवश्यकता है। यदि जीवन को कुरुक्षेत्र बनाना हो तो इस सुदर्शन चक्र अपने पास रखना, और यदि वृंदावन बनाना हो तो बांसुरी ले लेना। दोनों ही आपके पास है, आपके हाथ में है। वस्तुतः कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी वाणी कड़वी होती है, हमारा व्यवहार खराब होता है, तो वो सुदर्शन चक्र का काम करता है और हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब हमारी वाणी मधुर होती है, मीठी होती है, तो हमारा जीवन वृंदावन बन जाता है। मतलब ये है कि यदि सुख शांति चाहिए है तो गटर के ढक्कन बंद रखो और अमृत जो इत्र की शीशियां हैं उनके ढक्कन खोल दो। कहने का मतलब ये है कि निंदा मत करो, प्रशंसा करना शुरू कर दो। निंदा तो गटर की ढक्कन खोलने जैसा है और प्रशंसा इत्र की शीशी खोलने जैसा है। आपके पास दोनों ही चीजें हैं, लेकिन क्या करें, ऐसी आदत है पुरानी, हम गटर की ढक्कन ही खोल के रखते हैं और उसी के ऊपर जो चाट का ठेला लगा होता है वहीं जाकर के चाट खाते हैं। क्या करें, घर का भोजन पसंद नहीं आता। ऐसी जगह जाएंगे तो आपको स्वस्थता नहीं अस्वस्थता मिलेगी। तो
तो अगला सूत्र याद रखना है आपको कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। कहने का तात्पर्य है कि आय ना हो कोई बात नहीं है, व्यय कम हो तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है, और आय ना आय हो फिर भी यदि व्यय ज्यादा होता है तो समस्याएं बनी ही रहती है। हाँ, आमद कुबत कमर गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कमर खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जा। आप सभी लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, सभी समझदार हैं। हमारे बोलने के पहले ही सुना दिया लोगों ने, मतलब ये जीवन में उतारते भी होंगे जब इन्हें मालूम है। तो जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं तो अच्छे से नींद आ जाएगी, और यदि चादर के बाहर पैर फैलाओगे तो ठंडी लगी या मच्छर काटेंगे फिर अच्छे से नहीं सो पाओगे। अगला सूत्र और याद रखना है आपको कि यदि मान लो किसी में दोष दिखाई दे, अवगुण दिखाई दे, कमियां दिखाई दे, तो याद रखें ये भाव आना चाहिए कि ये अपना ही तो है। जैसे आपका बेटा है गलती करता है तो क्या आप दिंडोरा पिटवाते हैं, मीडिया में खबर दे देते हैं? बोलो, बेटा में बेटी में कितनी भी अवगुण हो व्यसन हो इसके बाद भी आप धकते रहते हैं, कभी भी उजागर करने का भाव नहीं करते हैं, तब फिर दूसरे में यदि गलती दिखती है तो वापस से घृणा कैसे करते हैं? हमारी पुरानी आदत है कि हमारे अंदर गलतियां होती हैं तो हम वकील बन जाते हैं उनकी सफाई करने के लिए, और किसी दूसरे में यदि गलतियां दिखाई देती हैं तो हम जज बन जाते हैं जजमेंट देने के लिए। इससे महाभारत बनता है, इससे जीवन दरक बनता है। यदि सुख शांति चाहिए है तो हमेशा सुख शांति के साथ साथ ऊर्जा चाहिए है तो अपने मन में सकारात्मक सोच ले आओ। सबसे ज्यादा एनर्जी यदि मिलती है किसी चीज से तो वो है सकारात्मक सोच, जिसे आप कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। इससे जीवन में मन में तन में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। जैसे कहते हैं ना, शारीरिक मेहनत करने से शरीर सुदृढ़ बनता है और समस्याओं का सामना करने से मानसिक दृढ़ता आती है। इसलिए ज्ञानी तो किसी भी निमित्त को बना करके जैसे कोई गलती होती है सीख ले लेता है तो वो गलती सीढ़ी का काम करती है, और सीख नहीं लेता है तो वो गलती गड्ढे का काम करती है। तो ज्ञानी उस गलती से भी सीख लेकर के सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ जाता है, अपना काम बना लेता है, अपनी उन्नति कर लेता है। अज्ञानी उस सीख से भी सीख नहीं लेता है तो वो गड्ढे के रूप में उसी में गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। समय हो गया है, संग बड़ा है, आहार चर्या कटा है, भोग गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।